आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीमें विदेशी खिलाड़ियों को 14 दिन के लिए एकांतवास यानी कि क्वारंटीन में रखने को तैयार हो गई हैं। सरकार ने अपनी ट्रेवल एडवाइजरी में 31 मार्च तक खास देशों से लोगों के प्रवेश को स्थगित कर रखा है। संक्रमण से पीड़ित कुछ देशों से आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए अनिवार्य रूप से एकांत में रहने को कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक फ्रेंचाइजी के अधिकारी ने कहा है कि अगर सरकार के क्लियरेंस मिल जाती है तो वीजा मिल जाते हैं तो विदेशी खिलाड़ियों को 14 दिन का एकांतवास देने को वो तैयार हैं। इस स्थिति में टीमें विदेशी खिलाड़ियों को अप्रैल के पहले हफ्ते में बुला सकती हैं और 14 दिन तक एकांत में रख सकती हैं, लेकिन पहले वीजा मिलना जरूरी है। ऐसे में आगे की स्थिति क्या होगी ये देखने वाली बात होगी। बड़ी बात यह है कि आईपीएल में अगर 14 दिन तक का एकांतवास दिया जाएगा तो 14 दिन तक विदेशी खिलाड़ी नहीं खेलेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि अगर 14 दिन के बाद भी स्थिति नहीं सुधरती तो फिर आईपीएल का आयोजन तो होगा लेकिन विदेशी खिलाड़ी इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। जरा सोचिए, बिना विदेशी खिलाड़ियों की दुनिया की सबसे बड़ी लीग जब होगी तो फिर कौन देखेगा इस लीग को। बड़ी बात यह है कि कोरोना जैसी महामारी के प्रकोप से फिलहाल क्रिकेट से लेकर स्पोर्ट्स जगत के तमाम गेम प्रभावित हुए हैं और अब बीसीसीआई भी इस पर विचार कर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि जुलाई से सितंबर के बीच आईपीएल का आयोजन हो सकता है। अब देखना है कि बीसीसीआई इस पर क्या आखिरी फैसला लेती है। एएनपी न्यूज रूम से विजेंद्र सिंह नेगी की रिपोर्ट।